अजय मेरू डायबिटीज सोसायटी द्वारा 15 नवंबर रविवार को गांधी भवन में डायबिटीज जागरूकता प्रदर्शनी और डायबिटीज जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। अजय मेरू डायबिटीज सोसायटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनीश सक्सेना ने बताया कि वर्ल्ड डायबिटीज दिवस के उपलक्ष्य में केयर देन क्योर के आधार पर आम नागरिकों को डायबिटीज के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में शनिवार को गोल्फ कोर्स रोड स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 1 में मुख्य अतिथि डीआईजी सीएम दमतिया और विशिष्ट अतिथि प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर दिनेश मेहता की अगुवाई में WHO द्वारा निर्देशित वर्ल्ड डायबिटीज डे के प्रतीक नीले वलय का अनावरण कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों में डायबिटीज के प्रति जागरूकता लाने और रोग के उपचार और रोकथाम की जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन भी किया गया। डॉक्टर रजनीश ने बताया कि 15 नवंबर रविवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक डायबिटीज जन जागरण मेले का आयोजन गांधी भवन मदार गेट पर किया जा रहा है। मेले में आने वाले सभी डायबिटीज रोगियों की निःशुल्क ब्लड शुगर, बॉडी के 7 पैरामीटर के अलावा आंखों की जांच, पैरों की जांच, ECG, ABI, किडनी की नेफ्रोपैथी, दांतों का परीक्षण और ABA1C की जांच भी की जाएगी। शिविर में वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलके नेपालिया, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक माथुर, वरिष्ठ डायबिटोलॉजिस्ट और फुट केयर विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश सक्सेना, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत निगम, डॉक्टर सार्थक माथुर सहित अन्य विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ डाइटिशियन सुप्रिया और सिल्की शर्मा के साथ फुट एजुकेटर योगेंद्र टांक सेवाएं देंगे। इस अवसर पर सोसायटी के महासचिव CP कटारिया, योगेंद्र टांग सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। 15 नवंबर को गांधी भवन में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। CRPF में आज ब्लू वलय के लोकार्पण के पश्चात सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों को यह बताया गया कि डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है और डायबिटीज होने पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे डायबिटीज आगे नहीं बढ़े और नियंत्रण में रहे।